गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए दिन की शुरुआत के साथ देवभूमि उत्तराखंड की हसीन वादियों से। आज के दिन की शुरुआत होती है सुबह के 7 बजे से। आज हम जाने वाले हैं जंगल। हेलो बोलो। शुरुआत हो रही है जंगल जाने से। आज हम जा रहे हैं बांझ के लिए जंगल। मेरे साथ हैं मेरी जेठानियाँ। शी इज माय फेवरेट जेठानी। एंड ये रहा व्यू मेरे गांव का। यहाँ से आगे बहुत सारे गांव रहते हैं। कभी आपको डिटेल में बताऊंगी कि यहाँ से उसारा गांव से आगे ये कौन कौन से गांव पड़ते हैं जो यहाँ से दिखते हैं। लोगों में ताला मार्केट थोड़ा नज़दीक से दिखाती हूँ। ये है हमारा ताला मार्केट। ताला जो हमारा मार्केट है, यहाँ से जो आगे का व्यू दिखता है वो इस तरह का है। एंड हमारे जो ताला तोप में ये टीन शेड वाले जो मकान बनाए गए हैं, ये 2021 में यहाँ पे भूदशाओं की समस्या आई थी, तो इसलिए लोगों ने पक्के मकान बनाने कम कर दिए हैं और टिन शेड वाले जैसे कच्चे मकान बनाने शुरू कर दिए। तो ये है हमारा गांव, ये हमारा घर है यहाँ पे ऊपर। एंड ये जो ऊपर वाली रोड है ये जाती है जोशीमठ वाली रोड है, ये NH वाली। और ये जो है ये नीचे वाली सड़क जो है ये जाती है हुडू विलेज के लिए, और ये स्टेट हाईवे की रोड है। छोकी नहीं, हाल फिलहाल हमें जाना है अभी ये नीचे वाले सड़क से, और हमें पहुंचना है यहाँ से सीधे आगे और फिर नीचे नदी और पुल से होते हुए यहाँ ऊपर इन चोटियों पे। बहुत ही घना जंगल है यहाँ, और देखते हैं आगे कैसी रहती है हमारी आज की दिनचर्या। सो फिलहाल ये है हमारी तुंगनाथ घाटी। बहुत ही ज़्यादा घना जंगल है यहाँ पे। किनारे हैं इतने बड़े पेड़ हैं, बहुत ही सुंदर व्यू ये देते हैं फील्ड को। बंदर तो दोस्तों आपको बता दूं, उत्तराखंड में आजकल रोडोडेंड्रॉन सीजन यानी कि बुरांस का
का सीजन शुरू हो चुका है और बुरांस के साथ जो उत्तराखंड के का फेमस फूल है वो है फ्योनी। आजकल आपको हर जगह दिखाई देंगे। एंड हमें जाना है यहाँ से नीचे पुल की तरफ। मेरे साथ वाले बहुत आगे निकल गए, सो मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा। कल बताया था कि कभी मैं आपको ताला तोक जो है वो दिखाऊंगी, तो ये रहा हमारा ताला तोक। ताला तोक और जो हमारा गांव है उसाड़ा जो नदी के इस पार है, दोनों एक ही ग्राम सभा से हैं, लेकिन कुछ परिवार आधा गांव उस साइड रहता है ताला तोक में और कुछ परिवार गांव में रहते हैं उसाड़ा में। ऐसा नहीं है कि गांव में जो मकान है इस साइड उनका ताला तोक से कोई कनेक्शन नहीं है। यहाँ वालों के सारे खेत और पुराने मकान ताला तोक में भी हैं और ताला तोक के जितने भी परिवार हैं उनके सारे खेत और पुराने घर इधर इस साइड गांव में भी हैं। आप लोगों को बता दें कि ताला तोक में जितने भी परिवार हैं, 94 परिवार ताला तोक में हैं, तो उनमें से 2021 में जब ताला तोक में भू दशाओं की समस्या उत्पन्न हुई तो सरकार द्वारा मुआवजे के रूप में ताला तोक के लोगों परिवारों को विस्थापित करके यहाँ पर मुआवजा। ये भी हमारे गांव वालों के कैंप हैं। मैं यहाँ पहली बार आई हूँ और यहाँ का व्यू मुझे काफ़ी पसंद आया, सो मैंने सोचा मैं आप लोगों से यहाँ की जो लोकेशन है वो शेयर कर दूँ। ये है मेरी दीदी और ये मेरे साथ वाले आ रहे आया, सो मैं यहाँ देखने के लिए आई और सोचा आपसे भी थोड़ा साझा हो जाएगी वीडियो। बहुत ही प्यारी है, यहाँ पे कोई दिखाई नहीं दे रहा, तो जानना चाह रही थी कि ये जो कैंपिंग है यहाँ का होता है। Thank you.
सब लोगों को थकान लग रही है, इसलिए सब पानी मांग रहे हैं। इतना दूर जाना पड़ेगा। ये हमारे चौकीदार जी, जो हमारे जंगल के चौकीदार हैं हमारे गांव के, मुश्किलों का सामना करते हुए हमें मुझे बांज का पेड़ मिला, जिसपे चढ़ने की कैपेसिटी मुझे खुद में लगी। तो आइए देखते हैं क्या मैं पेड़ पर चढ़ पाती हूँ या नहीं। We'll be right back.
और मुझे यहाँ पे खेत में गोबर फैलाना था। गोबर खेतों में कंपोस्ट खाद का काम करता है जो कि मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बनाए रखता है। तो पहाड़ों में पेड़ की पत्तियों को जंगल से इकट्ठा करके लाया जाता है और जो हमारे गाय भैंस हैं उनको बिछाना बिछाया जाता है। तो हम जो है गोबर साफ करते टाइम थोड़े पत्ते और गोबर को खेत में पीट कर पहुँचाते हैं। तो पीछे देखिए आप गेहूँ और सरसों के खेत में इस साइड गेहूँ और सरसों के इस साइड धान की बुआई भी आजकल कराई गई है। तो दोस्तों फिलहाल आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। सो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।